ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी कर्ण राशि वाले जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आपके जीवन में दो बड़ी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होने वाली। बहुत ही सारी आपके जीवन में खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आने वाले चार दिनों के बारे में आपको बताना चाहेंगे। परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति होंगी, जमीन जायदाद लेने का मौका मिलेगा, घर बनाने का मौका मिलेगा, वाहन कार्य इत्यादि अपने शान शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा वह कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रह सकती है, तो आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। तो वीडियो को लगातार अंत तक देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो को कोई सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज का दिन का समय बहुत खास है और आप सभी के लोगों के जीवन में, आप सभी कन्या राशि के लोगों को बहुत बड़े बदलाव की स्थिति का निर्माण होने वाला है। तमाम समस्याओं का निदान होगा। चंद्र राशि के अनुसार राहु के अष्टम भाव में स्थित होने के कारण इस दौरान कार्यस्थल पर आपको अपनी भावनाओं पर, खासतौर पर अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत होने वाली है, क्योंकि संभव हो चुका है कि आपको किसी भी सहकर्मी के द्वारा धोखा मिले, जिनसे आप उनके साथ झगड़ा भी कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी सभी को नुकसान तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, साथ ही अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है, धन को भविष्य के लिए संचय करने का प्लान करने वाले हैं। ऐसे में लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए आपको हर प्रकार के निवेश को करने की सलाह दी जाती है। यदि आप इस दौरान आपके परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी उनसे उसी तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि शंका है कि इस दौरान आप लोगों का व्यवहार परिवार के लोगों के जीवन में सदस्यों के साथ बुरा हो सकता है। परंतु आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यवहारिक मेल जोल की कामना कर सकते हैं। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वक्त ही पैसा है, तो अपनी अपेक्षाओं को शिखर पर पहुँचाने के लिए इस दौरान बिना देर किए उन सभी जरूरी कदम उठाने होंगे, अन्यथा आप सोचते रह जाएंगे और अन्य व्यक्ति उनसे आके निकल आएगा। चंद्र राशि के संबंध में बुध के एकादश स्वभाव में होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करते लोगों को यह समय थोड़ा सा प्रयास जारी रखने के बाद ही बड़ी सफलता को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनके लिए समय बहुत ही अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। ऐसे में इस अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए उन्हें अपने हाथों से ना निकलने दें। बुद्ध ओम बुद्धाय नमः का प्रतिदिन जाप करना 11 बार बहुत बढ़िया होने वाला है। चंद्र राशि के संबंध में शुक्र के 12वें भाव में होने के कारण आप अक्सर हर किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं, करते हुए अपने निजी जीवन में चली आ रही तमाम परिस्थितियों के बारे में बता देते हैं। ऐसे कुछ इस दौरान उसके जो अपने प्रेम प्रसंगों के बारे में इधर उधर की बातें करते दिखाई देंगे, परंतु आपको ऐसा करने से बिल्कुल परहेज करने की जरूरत रहेंगे, अन्यथा आप दूसरे गलत मार्गदर्शन देते हुए आपको भ्रमित कर सकते हैं। ऐसे अपने स्वयं अपने प्रेस्तों को बेहतर रखने की जगह तनावपूर्ण हो सकता है। इस दौरान आपके मन में अपने किसी अतीत के प्रेमी से पुनः संबंध करने की चाहत जागृत हो सकती है। हालांकि आपको कुछ ऐसे करने से बचना होगा जिसका नकारात्मक असर में आपके दाम्पत्य जीवन पर अशांति लाने का मुख्य कारण भी बन सकती है। जीवन में काफ़ी चीज़ों को लेकर बड़े में शांति की प्राप्ति होने वाली है। शारीरिक और मानसिक और स्वस्थ रहने के लिए धूम्रपान की आदत को छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो आज घर के किसी भी बड़े से धन को संचय करने को लेकर सलाह दे सकते हैं। वैवाहिक बंधन में बदलने के लिए अच्छा समय होगा। हर एक रोज़ प्रेम में पड़ने की आपकी आदत को बदलिए और आज के दिन आपके जीवन में महसूस करेंगे कि आपकी रचनात्मकता कहीं खो गई है और फैसले करने में आपको खास दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोई रोचक मैक्सिन आज के दिन उपयाणार्थ पढ़ सकते हैं, आज के दिन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं, जीवन में काफी लाभ करने की स्थिति का निर्माण कर सकते हैं और आपको दिन शुभ बेहतर कार्य होने वाले हैं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां लक्ष्मी, आपकी कामना मनोकामना